विचारशील व्यक्ति शांत कैसे हो सकता है? चंद्रमा ब्राह्मण कैसे वस्तुता शांत हो सकता है? हाँ, शांत होने का प्रदर्शन कर सकता है, अभिनय कर सकता है, और अभिनय ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा। जरा कुरेदो उसे भीतर और तुम अशांति पाओगे, गहन अशांति पाओगे। जरा सा कुरेदो और क्रोध भबक उठेगा। बिना कुरेदे तुम्हें पता नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से देखा तो चंदन वंदन लगाए, चुटिया बांधे जनेऊ पहने, मुख में राम बगल में छुरी, मुंह को ही देखा तो छुरी तुम्हें दिखाई न पड़ेगी। यही ब्राह्मण इस देश की बड़ी से बड़ी संख्या शूद्रों को सता रहे हैं सदियों से। ये कैसे शांत लोग हैं और अभी भी इनका दिल नहीं भरा। आज भी वही उपद्रव जारी है। अभी सारे देश में आग फैलती जाती है और गुजरात से क्यों शुरू होती है यह आग? पहले भी गुजरात से शुरू हुई थी, तब ये जनता के बुद्ध सिर पर आ गए थे, अब फिर गुजरात से शुरू हुई है। गुजरात से शुरू होने का कारण साफ है, यह महात्मा गांधी के परिणाम है, यह उनकी शिक्षा का परिणाम है। वे दमन सिखा गए हैं और सबसे ज्यादा गुजरात ने उनको माना है, क्योंकि गुजरात के अहंकार को बड़ी तृप्ति मिली कि गुजरात का बेटा और पूरे भारत का बाप हो गया। अब और क्या चाहिए? गुजराती का दिल बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से खादी पहन ली, मगर खादी के भीतर तो वही आदमी है जो पहले था, महात्मा गांधी के भीतर खुद वही आदमी था जो पहले था। उसमें भी कोई फर्क नहीं था। महात्मा गांधी बहुत खिलाफ थे इस बात के कि शूद्र हिंदू धर्म को छोड़े। उन्होंने इसके लिए उपवास किया था, आजन्म आजीवन मर जाने की धमकी दी थी, आमरण अनशन की, शूद्र को अलग मताधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों 5000 सालों में इतना सताया है उसको, कम से कम उसे अब कुछ तो सत्ता दो, कुछ तो सम्मान दो। उसके अलग मताधिकार से घबराहट क्या थी? घबराहट यह थी कि शूद्रों की संख्या बड़ी है और शूद्र ब्राह्मणों को पछाड़ देंगे। अगर उन्हें मत का अधिकार पृथक मिल जाए तो मत का अधिकार रुकवाया गांधी ने। आमरण अनशन की धमकी हिंसा है, अहिंसा नहीं। और एक आदमी के मरने से या न मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं ही मरना है। लेकिन दबाव डाला गया शूद्रों पर सब तरह का कि तुम पर यह लांछन लगेगा कि महात्मा गांधी को मरवा डाला। यूं ही तुम लांछित हो, ऐसे ही तुम अछूत हो, ऐसे ही तुम्हारी छाया भी छा जाए किसी को तो पाप हो जाता है। तुम्हें और लांछन अपने सिर लेने की झंझट नहीं लेनी चाहिए। बहुत दबाव डाला गया, दबाव डालकर गांधी का अनशन तुड़वाया गया और शूद्रों का मताधिकार हो गया। अब गुजरात में उपद्रव शुरू हुआ है कि शूद्रों को जो भी आरक्षित स्थान मिलते हैं विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, वे नहीं मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता में, लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होना चाहिए, मगर शूद्र को तुमने 5000 साल में इतना दबाया है कि उनके विचारों के समान अधिकार का सवाल ही कहां उठता है। सबको गुण के अनुसार स्थान मिलना चाहिए, लेकिन 5000 साल से जिनको किताबें भी नहीं छूने दी गई, उनको जिनको किसी तरह की शिक्षा नहीं मिली, वे ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से कैसे टक्कर ले सकेंगे? उनके बच्चे तो पिट जाएंगे, उनके बच्चे तो कहीं भी नहीं टिक सकते, उनके बच्चों को तो विशेष आरक्षण मिलना ही चाहिए। और या कोई 10-20 वर्ष तक में मामला हल होने वाला नहीं है। 5000-10000 साल जिनको सताया गया है तो कम से कम 100-200 साल तो निश्चित ही उनको विशेष आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि इस युग
इस योग हो जाए कि वे खुद सीधा मुकाबला कर सके। जिस दिन इस योग हो जाएंगे उस दिन आरक्षण अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन आरक्षण उनको नहीं मिलना चाहिए। इसके पीछे चालबाजी है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र वही है क्योंकि सबको जाहिर है जिनके पास 10,000 साल तक तुमने बांध रखे और अब 10,000 साल के बाद तुमने उनकी पैर की जंजीर तो अलग कर ली। तुम कहते हो सबको समान अधिकार है, इसलिए तुम भी दौड़ो दौड़ में। लेकिन जो लोग 10,000 साल से दौड़ते रहे हैं, धावक हैं, उनके साथ जिनके पैर दस हजार साल तक बंधे रहने, उनको दौड़ाओगे तो सिर्फ फजीहत होगी इनकी। ये 2-4 कदम भी ना चल पाएंगे और गिर जाएंगे। ये कैसे जीत पाएंगे? ये प्रतिस्पर्धा में कैसे खड़े हो पाएंगे? थोड़ी शर्म ही नहीं है इन लोगों को जो आरक्षण विरोधी आंदोलन चला रहे हैं और यह आग फैलती जा रही है। अब राजस्थान में पहुंच गई, अब मध्य प्रदेश में पहुंचेगी और एक दफे बिहार में पहुंच गई तो बिहार तो बुद्धों का अड्डा है। बस गुजरात के उल्लू और बिहार के बुद्ध अगर मिल जाए तो पर्याप्त। इस देश की बर्बादी के लिए फिर कोई और चीज की जरूरत नहीं है और ज्यादा देर नहीं लगेगी। जो बिहार के बुद्ध है वे तो हर मौके का उपयोग करना जानते हैं, जरा बुद्धू है इसलिए देर लगती है उनको। गुजरात से उन तक खबर पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, मगर पहुंच जाएगी। और एक दफा उनके हाथ में मशाल आ गई तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर उपद्रव भारी हो जाने वाला है और यह आग फैलने वाली है, यह बचने वाली नहीं है। और इस सब आग के पीछे ब्राह्मण है, उसको डर पैदा हो गया है। ब्राह्मण ने बड़ी ऊंची तरकीब की थी।